जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू तालीम दोस्त कॉम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन। तो सबसे पहले आज हम नाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउन, नाउन मीन्स टू बी नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग। पर्सन में भी स्पेसिफिक, स्पेशल पर्सन और स्पेसिफिक पर्सन, और इट मे बी कॉमन पर्सन। ये कॉमन भी हो सकता है और ये स्पेशल या स्पेसिफिक भी हो सकता है। इसी तरह से जब हम प्लेस की बात करेंगे तो इट इज स्पेसिफिक एज वेल एज कॉमन। जब हम थिंग की बात करेंगे तो सेम रूल इस पे अप्लाई होगा, स्पेसिफिक और कॉमन। जब हम स्पेसिफिक पर्सन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अली, सो अली इज नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। कॉमन में हम लिख सकते हैं बॉय, बॉय मीन्स टू बी एनी बॉय। स्पेसिफिक प्लेस बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क। कॉमन मॉस्क, इट मीन्स एनी मॉस्क। स्पेसिफिक थिंग, इफ आई जस्ट से दैट पेन, पेन मीन्स इफ आई जस्ट से ईगल पेन, सो ईगल इज अ कंपनी, सो दैट इज अ स्पेसिफिक वन। एंड इफ आई जस्ट से पेन, जब हम सिर्फ पेन कहता हूं तो इट बिकम्स ओनली वन पेन, इट मीन्स एनी पेन। सो स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस एंड कॉमन थिंग, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन। इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक नाउन और प्रॉपर नाउन। एंड कॉमन मीन्स टू बी एनी प्लेस, एनी थिंग ऑन एनी पर्सन। द सेकेंड टाइप इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, आई जस्ट राइट अ सेंटेंस, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, आयरन इज अ मेटल, वी मेक चेयर्स फ्रॉम वुड। सो यहां पे देखिए आयरन और वुड जो है, दीज आर द नेम्स ऑफ मटेरियल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल नाउन, कट कर देंगे ना आप, ये ले बेटा देखें, जब भी मतलब हाँ गलती हो गई है। अच्छा पॉज दे दूँ, अच्छा पॉज में दे दूँ, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा यहाँ पॉज आया। हाँ ठीक है, अच्छा पेजेस यहाँ रख दूँ, कहाँ रखें? हाँ पेजेस बस यहाँ पे रख दें आप, मैं यहाँ से उठाता जाऊँगा। तो नीचे जो डॉट्स आ रहे हैं ना, कोशिश करें नजर आए। अच्छा पेज पड़ा रहता है। अच्छा इनको समझ कर सकते हैं, चलो मैं नया लिख देता हूँ। अच्छा ये Thank you.
सो अभी हम आएंगे थर्ड टाइप की तरफ, दैट इज मटेरियल नाउन. मटेरियल जिस तरह ये नाम जाहिर कर रहा है, मटेरियल मीन्स टू बी द नेम ऑफ सम मटेरियल. मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, आयरन इज अ मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. तो यहां पर आप देखिए आयरन एंड गोल्ड, दीज आर द नेम्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच वी डू प्रिपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इसी तरह से देर आर प्लास्टिक्स, देर इज वुड, देर इज सिल्वर. तो दीज आर मटेरियल नाउन्स. नंबर फोर, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, एज द वर्ड शोज, कलेक्टिव इज फ्रॉम द वर्ड कलेक्शन. सो द नाउन दैट शोज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पर्संस, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट से द डजन, सो डजन दैट शोज द कलेक्शन. इफ आई जस्ट से मिलियन, इट शोज कलेक्शन ऑफ थिंग्स. If I just say set, अगर मैं set कहता हूं तो इसका मतलब the collection of things having their specific identity. And the fifth type is abstract noun. The word is abstract noun. So abstract means it may be some idea, it may be some thought, it may be some action. ये कोई action हो सकता है, कोई thought हो सकता है, कोई idea हो सकता है. That is immaterial. We can't touch it, we can't see it. For example, honesty is the best पॉलिसी. तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑनेस्टी. लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि इसकी व्हाट शुड बी द फिगर, व्हाट शुड बी द शेप एंड व्हाट शुड बी द प्रेजेंस, तो वी कांट ड्रॉ एनी पिक्चर, वी कांट टच इट. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ट्रूथ, क्लीनलीनेस, विजडम, फेलियर, ये एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड वी आर डिस्कसिंग नाउ द टाइप्स ऑफ नाउन्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स. नंबर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे नाउन की टाइप्स, और इसमें काउंटेबल नाउन्स, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के हवाले से हम बात करेंगे. काउंटेबल मीन्स ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम काउंट करते हैं बुक्स को, हम काउंट करते हैं चेयर्स को, हम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स को. और व्हेन वी टॉक अबाउट सम नाउन जिसकी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, वी नेवर काउंट देम, वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी. मिल्क, शुगर, हनी,
These are the examples of uncountable nouns. अभी हम नाउन्स के रूल्स के बारे से बात करेंगे. व्हाट आर द स्पेसिफिक रूल्स ऑफ यूजिंग डिफरेंट नाउन्स. सबसे पहले वी आर टू थ्रो अ लाइट अपॉन रूल नंबर वन. रूल नंबर वन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड क्वांटिफायर. अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो रूल नंबर वन इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड क्वांटिफायर. सो नाउन और क्वांटिफायर में एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट क्वांटिफायर मींस जो नाउन की क्वांटिटी को शो कर रहा है उसमें और नाउन में एग्रीमेंट होना चाहिए. हम इसकी एग्जांपल लेते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज वर देयर. अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज वर देयर. अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज वर देयर. अब यहां पर अ लार्ज अमाउंट दैट इज अ क्वांटिफायर, क्योंकि ये हमें ट्रीज की क्वांटिटी की बात कर रहा है. बट हमें ये पता है कि ट्रीज एक ऐसा नाउन है विच इज नॉट टेकन इन क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटी में नहीं लिया जाता बल्कि उसके नंबर में लिया जाता है. वी ऑलवेज काउंट ट्रीज 1, 2, 3, 4. तो लिहाजा जो क्वांटिफायर है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नाउन ट्रीज. तो देयर शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर देयर. सो यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर देयर क्वांटिफायर जो है दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन. ट्रीज इज काउंटेबल नाउन. रूल नंबर टू, देर आर सर्टन नाउन्स फॉर एग्जाम्पल वेजेस, स्पोर्ट्स, सीरीज, टाइडिंग्स, एथिक्स, न्यूज, नेम्स ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ ड्रेसेस, नेम्स ऑफ डिजीजेस, नेम्स ऑफ डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल एड्स, मीजल्स, मम्स एटसेट्रा. अ डिसेप्टिव नाउन, दीज आर नोन एज डिसेप्टिव नाउन, बट देयर मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब. They must be followed by
सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, एथिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पर एथिक्स, दैट इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, दिस इज अ नाउन, बट अकॉर्डिंग टू द रूल के मुताबिक इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। एथिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसी तरह से स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स इट कैरीज नो डाउट एस, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल देयर मस्ट बी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। स्पोर्ट्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। रूल नंबर 3, समटाइम्स वी कंसिडर कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स द नाउन्स विच आर मेड अप ऑफ टू नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन सेल्स। तो यहां पर देखिए, ब्रेन इज अ नाउन, सेल इज अनदर नाउन, दोनों को कंबाइन करके हमने एक नाउन बना दिया, दैट इज कंपाउंड नाउन। द रूल इज इन कंपाउंड नाउन्स वी प्लूरलाइज ओनली द सेकेंड नाउन। इन कंपाउंड नाउन्स वी ओनली प्लूरलाइज द सेकेंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन सेल, brains cells are in great number, brain cells are in great numbers। तो इस तरह से sentence जो है it may come। और इसमें what is the mistake, इसमें एरर क्या है? द रूल इज व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंड नाउन्स वी ऑलवेज मेक द सेकेंड नाउन प्लूरल। तो यहां पर ब्रेन को प्लूरलाइज नहीं करेंगे, बल्कि ब्रेन सेल्स आर इन ग्रेट नंबर। अच्छा, बॉर्डर एरिया जो है, दिस वन, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, Before the names of foods, fluids, materials, gases, general groups, police, languages, academic subjects and abstract nouns, we do not use articles a and the. Before certain nouns, for example the names of foods,
the names of fluids, the names of materials, the names of gases, the names of general groups. For example, police, the names which are abstract nouns, we do not use articles a, an, the, or the. We can take the example, the oxygen is essential for life. Oxygen is a proper noun. That is the name of material. That is the name of a gas. So according to rule, we can't use any article before oxygen. So the correct sentence is, oxygen is essential for life. In the same way, we may take another example. The gold is a precious metal. The gold is the name of material. That is a material noun. We can't use the before it. So the rule number four is, we can't use any article before foods, fluids, materials, gases, general groups like police and abstract nouns. Rule number five. Rule number five, when a compound noun is used as an adjective or adjective, it is always singular. When a compound noun is used as an adjective, it is always singular. जब हम एक compound noun को adjective के तौर पर use करते हैं तो it is always singular. For example, man's 3 pounds, brain is the most complex. तो यहां पर इस सेंटेंस में man's 3 pounds, that is a compound noun. 3 is a noun, pound is another noun, and we have made a compound noun, or compound noun is always used singular. When a compound noun is used as an adjective, it is always singular. So the word adjective means the word which modifies the noun. ऐसा word जो noun को modify करता है, noun के meaning में इजाफा करता है, noun को define करता है, that is known as adjective.
यहां पर थ्री पाउंड्स इज एन एडजेक्टिव. दिस इज अ कंपाउंड नाउन बट इट इज ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर. रूल नंबर सिक्स, सब देर आर सर्टन नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल. देर आर सर्टन नाउन्स विच आर ऑलवेज टेकन प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हमेशा हम प्लूरल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल, ट्राउजर्स, सीजर्स, टॉन्ग्स, गैलोस, स्पेक्टिकल्स, एंड मस्ट बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. देर आर सर्टन नाउन्स विच आर ऑलवेज टेकन एज प्लूरल और इनके बाद वर्ब भी प्लूरल ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल इज मेकिंग नॉइज. अब यहां पर द नाउन इज पीपल एंड पीपल इज ऑलवेज टेकन एज प्लूरल. इनको हमेशा प्लूरल लिया जाएगा. जब नाउन प्लूरल आ जाएगा तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए. सम पीपल आर मेकिंग नॉइज. सम पीपल आर मेकिंग नॉइज. सम पीपल इज मेकिंग नॉइज. पीपल इज अ प्लूरल नाउन और व्हेन द नाउन इज प्लूरल तो इसके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगा. एंड आर इज हियर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब. मेन वर्ब मीन्स द वर्ब विच शोज मेन एक्शन. वो वर्ब जो मेन एक्शन शो करता है उसको दैट इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब. तो यहां पर पीपल के मुताबिक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा. रूल नंबर सेवन, रूल नंबर सेवन, देर आर सर्टन नंबर्स लाइक हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन एंड दे आर टेकन एज प्लूरल व्हेन देर इज नो नंबर बिफोर them. There are certain nouns, for example dozen, million, thousand, hundred, jab in when there is no number before them. जब इनके सामने कोई नंबर नहीं आता. व्हेन देयर इज नो नंबर बिफोर देम, दे आर ऑलवेज टेकन प्लूरल.
उनको हमेशा प्लूरल लिया जाता है। उस सूरत में जब इनके सामने कोई नंबर नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं देर आर मिलियन ऑफ पीपल देयर। अब यहां पर द नाउन इज मिलियन और इसके इससे पहले कोई नंबर नहीं आ रहा, हेयर इज नो नंबर एट ऑल। अगर यहां पे आया देर आर 5 मिलियन ऑफ पीपल देयर तो फिर इट्स ओके, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले हम इसके साथ हम कभी एस यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब इससे पहले कोई नंबर नहीं आ रहा तो लिहाजा यहां पर इसकी करेक्शन क्या होगी, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल देयर, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल देयर। इसी तरह से देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। रूल नंबर 8, ऑल द नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ऑल द नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ऑल द नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल पीपल शुड माइंड योर ओन बिजनेस। अब यहां पर इस सेंटेंस में पीपल इज अ नाउन और इसके मुताबिक देयर मस्ट बी द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी इट दीज आर द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहां पर पीपल है दैट इज प्लूरल, चूंकि ये प्लूरल है तो इस वजह से इसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन देयर, टी एच ई आई आर देयर, पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। सो द रूल इज ऑल द नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स। रूल नंबर 9, ऑल द प्लूरल नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन्स, दैट इज दे, देयर, देम एटसेट्रा। द रूल इज ऑल द प्लूरल नाउन्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज वर डूइंग योर बेस्ट, द बॉयज वर डूइंग योर बेस्ट,
अब यहां पर द नाउन इज द बॉयज, दैट इज प्लूरल, और रूल के मुताबिक प्लूरल नाउन्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स. द बॉयज वर डूइंग देयर बेस्ट. रूल नंबर 10, ऑल द सिंगुलर नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन्स. ऑल द सिंगुलर नाउन्स आर रिप्लेस्ड by singular third person pronoun. Singular third person pronoun, for example, he is there, she, it. यानी अगर singular nouns आए तो उनके बाद हमेशा singular third person pronoun का आना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल द कैप्टन विल ट्राई देयर बेस्ट. अब इस सेंटेंस में द नाउन इज द कैप्टन, और कैप्टन जो है दैट इज सिंगुलर. व्हेन द नाउन इज सिंगुलर तो इसके बाद इसका इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय सिंगुलर थर्ड पर्सन. द कैप्टन विल ट्राई हिज बेस्ट. रूल नंबर 11, देर आर सर्टन नाउन्स विच आर जेंडर फ्री. इट मीन्स दैट देर इज नो कंसेप्ट ऑफ फेमिनिन एंड जेंडर क्लास. उसकी कोई फेमिनिन या मैस्कुलिन नहीं होते. दोज नाउन्स आर नोन एज जेंडर फ्री नाउन्स. और इसके साथ हम कलेक्टिव नाउन्स भी यूज करते हैं. सो द रूल इज जेंडर फ्री नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय इट. जेंडर फ्री नाउन्स एंड collective nouns are replaced by it. For example, the committee announced his decision. The committee announced his decision. अब कमेटी जो है दैट इज कलेक्टिव नाउन. ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये इट शोज अ कलेक्शन ऑफ पर्संस. और द रूल इज आफ्टर collective nouns we are to place it.
So the committee announced it. It's because it shows possession. ये चूंकि possession show कर रही है तो क्या आएगा It's a its decision. The committee announced its decision. लेकिन इसमें से there is some other rule कि अगर there are certain collective nouns, कुछ आपके collective nouns ऐसे हैं जो collection तो show करते हैं लेकिन सर्टेन टाइम्स वो डिवीजन का कंसेप्ट देते हैं. अगर वो डिवीजन का कंसेप्ट दें तो उसके बाद हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आएगा. लेकिन अगर वो एक सिंगल बॉडी एक सिंगल यूनिट को प्रेजेंट करें तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा. मसलन द ज्यूरी word divided in their decision. अब यहां पे देखें जूरी जूरी means collection of judges. It is no doubt a collective noun. लेकिन इसके बाद देखिए चूंकि ये division का concept दे रहा है यानी every judge had its his own decision. तो लिहाजा चूंकि यहां पर डिवीजन का कंसेप्ट आ गया है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन तो फिर इसके बाद जो है वो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा. इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा और इसके बाद प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा. लेकिन अगर आप इस तरह से कहते हैं द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन तो डिसीजन का मतलब उसी सूरत में डिसीजन होता है जब सब लोग एक जगह पर एग्री करते हैं. द ज्यूरी वॉज एग्रीड अपॉन 1.1 डिसीजन लिहाजा यहां पर इट्स आएगा. सो रूल नंबर 11 जेंडर फ्री नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर रिप्लेस बाय इट. लेकिन ये उस सूरत में आएगा अगर जेंडर फ्री नाउन्स या कलेक्टिव नाउन्स एक यूनिट को प्रेजेंट करें या डिवीजन का कंसेप्ट ना दें. अगर वो डिवीजन का कंसेप्ट देते हैं तो फिर उस सूरत में प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल आएगा और इसके बाद वह भी प्लूरल आएगा. Rule number 12. There are certain collective nouns like army, class. They always take singular pronoun it. लेकिन अगर ये इसको मेरा रिपीट हो रहा है ये रूल नंबर 12 मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स. Rule number 12 is material nouns have no plural form. यानी material nouns को हम हमेशा singular use करेंगे लेकिन इसको कभी भी plural form में convert नहीं किया जा सकता. For example, woods is a useful
मटेरियल। तो यहां पर वुड जो है ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से आयरन, आयरन्स इज अ मेटल, वी कांट यूज एस विद आयरन बिकॉज दिस इज मटेरियल। अगर हम इसके साथ एस यूज करेंगे तो इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। आयरन्स मीन्स चेन्स। इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, एडवाइसेस, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइसेस। एडवाइस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट वी कांट कन्वर्ट इंटू प्लूरल फॉर्म, हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13, कॉमन नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास आर प्रिसीडेड बाय आर्टिकल द। यानी अगर एक कॉमन नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उससे पहले हमेशा द यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अब हॉर्स इज अ कॉमन नाउन बट व्हेन वी से हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल तो हम एक हॉर्स की बात नहीं कर रहे बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। जब होल क्लास की बात करेंगे, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, तो इससे पहले द का आना जरूरी है। द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। इसी तरह से हम कह सकते हैं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द एलिफेंट इज अ फैट एनिमल। तो यहां पर एलिफेंट पूरी क्लास को प्रेजेंट कर रहा है तो लिहाजा द एलिफेंट इज अ फैट एनिमल हम द यूज करेंगे। तो द रूल इज व्हेन अ कॉमन नाउन प्रेजेंट्स द होल क्लास we always use the before it। ठीक जा रहा ठीक है। सही।
रूल नंबर 14 याद रखिए, देर आर सर्टन नाउन्स लाइक मेजोरिटी, मिनोरिटी एटसेट्रा, दे आर ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर, इनको सिंगुलर नाउन के तौर पर लिया जाता है। लेकिन अगर हम इसके साथ फ्रेज लगा रहते हैं द मेजोरिटी ऑफ द मिनोरिटी ऑफ तो याद रखिए मेजोरिटी बिकम्स प्लूरल, ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। और जब ये प्लूरल नाउन बनेंगे तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल द मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रिफर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। लेकिन हेयर द नाउन इज द मेजोरिटी ऑफ, और जब मेजोरिटी के साथ ऑफ यूज किया जाता है तो इट बिकम्स प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल नाउन के मुताबिक वर्ब आएगा विदाउट एस। जी हाँ, रूल नंबर 15 बाज़ोकात हम नाउन्स को ज्वाइन करते हैं विद के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, बिसाइड्स के साथ एटसेट्रा। जब भी टू नाउन्स को इन कंजंक्टिव वर्ड्स के साथ, कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया जाता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के मुताबिक आता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल द टीचर एज वेल एज The boys, the teacher as well as the boys are busy. यहां पर इस एग्जाम्पल में there are two nouns, the teacher and the boys. और teacher as well as से पहले teacher singular noun आ रहा है, और rule is कि जो नाउन एज वेल एज से पहले, विद से पहले, अलोंग विद से पहले, टुगेदर विद से पहले, बिसाइड से पहले, या लाइक और ऑफ से पहले आएगा तो वर्ब हमेशा उसके मुताबिक आएगा। द टीचर इज सिंगुलर तो यहां पर क्या आएगा जी, द टीचर एज वेल एज द बॉयज इज बिजी, एंड इज जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू the teacher and teacher is singular.
इसी तरह से रूल नंबर 16 Sometimes we join two nouns or two pronouns together by neither, nor, or, either, or. बाज़ुकात हम nouns को या pronouns को neither nor के साथ या either or के साथ या not only बट आल्सो वगैरह के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं. तो उस सूरत में जब हम नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो यूज करेंगे द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन और प्रोनाउन. वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक आएगा. फॉर एग्जाम्पल इधर द प्रिंसिपल और द बॉयज इज एब्सेंट. अब यहां पर प्रिंसिपल इज अ नाउन, बॉयज इज अ नाउन और सेकंड नाउन जो है दैट इज द बॉयज. बॉयज इज अ प्लूरल, ये प्लूरल नाउन है लिहाजा प्लूरल के मुताबिक वर्ब जो है वो आर आएगा. इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. नीदर आई नॉर असलम वर्ड प्रेजेंट. अब यहां पर सेकंड नाउन असलम है और असलम जो है दैट इज सिंगुलर, तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा वॉज प्रेजेंट. सो द रूल इज अगर दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को या नाउन और प्रोनाउन को हम नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो उसके साथ ज्वाइन करते हैं तो वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड प्रोनाउन या सेकंड नाउन के मुताबिक आएगा. रूल नंबर 17 सम नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड कन्वे द इम्प्रेशन ऑफ सिंगल यूनिट एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं लेकिन उनको हमेशा एक यूनिट के तौर पर लिया जाता है या सिंगल बॉडी के तौर पर लिया जाता है, तो लिहाजा उनके साथ हमेशा सिंगल वर्ब आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. अब यहां पर देखिए टाइम एंड टाइड दे गिव द सिंगुलर मीनिंग, इनका मीनिंग सिंगुलर है एंड दे आर टेकन एज अ यूनिट, इनको एक यूनिट के तौर पर लिया जा रहा है. तो लिहाजा जब ऐसे नाउन जिनको एंड से ज्वाइन किया जाए सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा
time and tide waits for no man. The rule is, there are some nouns joined by and convey the impression of a singular unit they must be followed by single verb or helping verb. Rule number 18. कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं जिनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है. मसलन फिश की जमा फिशी होगी, वकेशन को वकेशन ही लिखा जाता है प्लूरल फॉर्म में, फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखा जाएगा, फर्नीचर्स नहीं लिखा जाएगा, फ्रूट को फ्रूट्स नहीं लिखा जाएगा, पीपल को पीपल नहीं लिखा जाएगा. लेकिन अगर ये डिफरेंट काइंड्स को प्रेजेंट करें, इफ दे प्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स, अगर ये डिफरेंट काइंड्स को प्रेजेंट करते हैं तो फिर हम इनको प्लूरल ले सकते हैं. दे आर टेकन एज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस. अब यहां पर देयर वर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, यहां पर हम डिफरेंट रेसेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा पीपल को हम पीपल्स लिखेंगे, इट विल बिकम प्लूरल. There were peoples of different races. देखिए, जब आप जनरल बात करेंगे तो we can't make them plural. For example, the people of Pakistan are hardworking. अब यहां पर पीपल को हम पीपल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स डिफरेंट टाइप्स. रूल नंबर 19. व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप, सॉर्ट और काइंड, जब हम टाइप की बात करते हैं, जब हम सॉर्ट की बात करते हैं, जब हम किसी नाउन की काइंड की बात करते हैं, तो दीज वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय आर्टिकल. दीज वर्ड्स आर
not followed by article इनसे पहले आ नहीं आता. अगेन प्लीज टाइप सॉर्ट काइंड दीज वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय आर्टिकल अ. जब हम टाइप को बात करते हैं, जब हम सॉर्ट की बात करते हैं, जब हम काइंड की बात करते हैं, तो इन नाउन्स की टाइप सॉर्ट या काइंड के बाद अ नहीं आता. What kind of a job are you doing? What kind of a job are you doing? अब यहां पर देखिए what kind, क्योंकि kind आ गया यहां पर और इसके बाद आ नहीं आएगा. व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू डूइंग. तो यहां पर याद रखिए टाइप सॉर्ट और काइंड के बाद कभी भी आ यूज नहीं किया जाता. रूल नंबर 20. देर आर सर्टन वर्ड्स, देर आर सर्टन नाउन्स जिनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उनके साथ एस नहीं आता. There are certain nouns for example information, advice, furniture, kindness, म्यूजिक, इक्विपमेंट, अगर हमने इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो इनके साथ आम तौर पर पीसेस ऑफ यूज करेंगे. हीट acted upon our advices. तो advice को we can't make it plural. He acted upon our pieces of advice. He gave me many informations. तो informations जो है that is wrong use. He gave me many pieces of information. Rule number 21. We should not use a singular count noun alone without a, the, etc. We should not
use a singular count noun alone without a or the. For example, the unemployed manager is searching for new company. The unemployed manager is searching for a new company. A company jo hai, that is a countable noun. इसको काउंट किया जा सकता है. वन कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, वी हैव टू काउंट देम. तो जब काउंटेबल नाउन आएगा तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल अ या द आना जरूरी है. दीज वर 20 रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ नाउन. नाउ वी आर टू डूइंग एक्सरसाइज. We are going to do exercise of nouns regarding these rules.